चलें जी, अब टाइम आ गया है बहुत इम्पोर्टेंट काम का, और वो काम है, स्टार्ट करते हैं जी, यूट्यूब की अदालत। और अदालत में इस वक्त एक्यूज्ड हूँ मैं, और मेरे से जनता जो सवाल करती है सारी, वो आप लोग सब जो मेरे से सवाल करते हैं, वो सवाल ये होता है कि जल्दी व्लॉग क्यों नहीं बनाती, जैसे यहाँ पे लिखा होता है, क्या लिखा हुआ है, आपका व्लॉग, आपके व्लॉग का बहुत वेट करवाता, अरे आप व्लॉग का बहुत वेट करवाती हैं, कहाँ गुम हो गई हैं आप, मैं आपको व्लॉग का इंतज़ार कर रही हूँ, हाय नॉर्थ, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा नहीं, ये सलाम नुशीन, वेर आर यू, आई मिस यू टू मच, प्लीज़ अपलोड न्यू व्लॉग, नुशीन प्लीज़ जल्दी आए, दी आप किधर हैं, ये इस किस्म के जो ये आप लोग मेरे से सवाल करते हैं, उन सब का जवाब देने के लिए मैं आज हाजिर हूँ यूट्यूब की अदालत में। और उसका जवाब ये है कि आप सबको पता है कि मेरी जॉब मुझे इतना तंग करती है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं यूट्यूब को टाइम देना चाहती हूँ, मैं अपना फुल टाइम यूट्यूब को देना चाहती हूँ, पता है मुझे बहुत शौक है कि मैं प्रॉपर एक फुल टाइम व्लॉगर बन जाऊँ, लेकिन मुझे मेरी जॉब टाइम नहीं देती, इसलिए तो मेड जो है वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल रेंज से बाहर है, मेरे तो मैं तो अफोर्ड नहीं करती, और मेरा ख्याल है कोई 10% लेडीज़ होंगी जिन्होंने मेड रखी होंगी, बाकी सारे खुद करते हैं काम, तो पता तो है आपको जैसे ट्रेंड है अब्रॉड में, तो इस वजह से मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, मुझे घर मैनेज करना है, मुझे तिहामी की स्टडीज़ पे फोकस करना है, मुझे तिहामी को टाइम देना है, बेचारे जो सिर्फ रह जाते हैं जिनको मैं टाइम नहीं दे पाती, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग वो शहजादे हैं जिनको मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, और वो बेचारे अंडरस्टैंड करते हैं, और हम लोग जो टाइम थोड़ा बहुत मिले हम कोशिश करते हैं, इसीलिए तो हम इतनी ज़्यादा आउटिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं कि कुछ तो टाइम साथ में स्पेंड हो, तो ये रीज़न है, और आई होप आपको मेरी रीज़न बिल्कुल वैलिड लगी होगी, और आप मेरे से अब एंग्री बर्ड नहीं बनेंगे कि क्यों व्लॉग्स नहीं करती, क्यों व्लॉग्स नहीं करती और कोशिश करूँगी कि अगर मैं ज़ाहिर है वीक में 2-3 ना कर सकूँ तो एक व्लॉग तो अपलोड करूँ, तो और मुझे एक स्केड्यूल भी बनाना पड़ेगा ताकि आपको डेली आके देखना ना पड़े कि अभी ये इसने अपलोड किया है या नहीं किया, यानी आपको पता हो कि किस दिन ये व्लॉग अपलोड करेगी, सो आप उसी दिन आके तो व्लॉग देख लें। वैसे तो खैर नोटिफिकेशन भी मिल जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आई तो इसका मतलब है व्लॉग नहीं आया, सो इंशाल्लाह कुछ करती हूँ लेकिन इंशाल्लाह ये तो फॉर श्योर मैं रमज़ान के व्लॉग्स जो है ना वो तो मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, और उसके लिए रमज़ान की रेसिपीज़ मैंने सोचा है कि मैं रमज़ान से पहले ही काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं बना के और उनकी वीडियोज़ एडिट करके कंप्लीट करके रख दूँगी, जो मैं रमज़ान में रेसिपीज़ जो है बनाती होती हूँ, उसकी रीज़न ये है कि फिर अगर मेरे से रमज़ान में ज़ाहिर है रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है, बहुत मतलब मसरूफ़ होता है बंदा, और इस दफ़ा हमारा प्लान है कि हम लोग घर के करीब जो मस्जिद है उसमें जाके तरावियाँ प्रॉपर पढ़ें, पिछली दफ़ा हमारा प्लान था लेकिन हम लोग नहीं जा सके, तो बस वही होता है कि नसीब की बात है, तो वो फिर इस दफ़ा हमारा ये प्लान है, तो आई एम श्योर कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, कभी कभी व्लॉग्स मिस होंगे, तो वो जो व्लॉग्स मिस होंगे उसमें मैं वो जो मैंने 10-15 रेसिपीज़ बना के रखी होंगी ना, मैं वो रेसिपीज़ अपलोड कर दूंगी, तो एक एक करके करती जाऊंगी, इस तरह से करूंगी मैं, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान में आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे ही मिलेंगे इंशाल्लाह, सो उम्मीद रखें, कभी तो मैं रेगुलर हो जाऊंगी और ये औलाद सोई हुई है पीछे, तिहामी साहब सोए हुए हैं, मुझे इस टाइम बड़े याद आ रहे हैं, क्योंकि तिहामी अगर जागा होता तो तिहामी ने मेरे साथ सारी सेटिंग करानी थी। चलिए अब टेबल को इधर उधर करते हैं, और दूसरा ये कि मुझे पता है आपको शौक है, आप हमेशा कहते हैं कि हमें दिखाओ कितना वेट लूज़ किया है, तो आपको शौक है मुझे देखने का कि मैंने कितना लूज़ किया, लेकिन आई एम सॉरी इस वक्त आपको ये बोरी पहनी हुई नज़र आऊँगी मैं ये मुझे अम्मी ने भेजा था, और अम्मी को मैं कह रही थी कि मैं काफ़ी मोटी हो गई हूँ, तो अम्मी ने जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटा समझ लिया था तो इसलिए आज मैंने वैसे यही करना हुआ है। ठीक है, हेलो तिहामी, हेलो तिहामी, इधर घुस के कैसे बैठे हैं, एकदम दूर किया हुआ सोफा, नहीं।
फन कर रहे हो? किस चीज़ की लाइट है ये? क्या वो ब्लू कलर का क्या है? इतनी दूर है ना, तिरछी लाइट लग रही है। ट्राई कर रहे होते हो आज? तो फिर भी गर्मी है तो। और सुनाए, रिच नहीं है आज? मेरे हस्बैंड मेरा मूड ठीक करने आए हैं क्योंकि मैं बहुत बोर हुई हुई थी। हालांकि हम हर वक्त बाहर निकले रहते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें जो भी कर लें बोरियत नहीं जाती। हाँ जी, अभी आपको स्टेज पे वीआईपी बनाता हूँ मैं। हाँ जी, नहीं आप मुझे स्टेज पे डांस परफॉर्म करके दिखाएं तब मैं खुश होऊंगी आपसे। हाँ हो सकता है, ज्योतिष अंदर भी लगा हुआ है, نجود الشيوي اندر ڈسپلے پہ لگا ہوا ہے نجود الشيوي او الشويمي کہ وہ دیکھو فائر فائر ٹرکس وہ دیکھو فائر فائر پٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا واو تے ہمیں تو آپ کی مرضی کی وہ دیکھو ریسکیو کیا ہے نا ये तो हम अच्छी जगह आ गए हैं। ऊंची बोले स्ट्रेचर ये देखो ये क्या है ये देखो उसी में इसको रखा हुआ है मैन को है ना रेस्क्यू कर रहे हैं। मुझे कसम से इस कंट्री में बहुत मज़ा आता है, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है ना, और अच्छा वाला इन्फॉर्मेटिव कुछ ना कुछ। अभी ये सऊदी आर्मी और रेस्क्यू टीम्स है मेरा ख्याल है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन सारी। और नजर आएगा थे हामी तो ये वो सूट है जिससे फायर नहीं अंदर आती थी हमें, ये देखो ये वाकई है। वाह है, इसको ऊपर ही रखो, इसको ऊपर ही रखो थे हमें, ऐसे रखो नीचे करो हैंड्स ऐसे स्ट्रेट। ओ वाओ इतना अच्छा हेलमेट थे हामी का, ऑसम लग रहे थे हामी। तो ऐसे करो इधर हो, भाग के आओ इधर, इधर सामने खड़े हो स्पेस, ये सूट के साथ स्पेस सूट फायरमैन सूट के साथ। इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा है लेकिन वो अच्छी वाली है ना, एंजॉय करने वाली अच्छी वाली आते हैं ना। मेरा बहुत अच्छा हो गया एकदम, 10 मिनट्स लगे और मेरा मूड ठीक हो भी गया है ना। नेम था व्हाइट पिज्जा, लेकिन ये वो है उसकी तरह का, कौन सा हम लेते थे खा लो ना, पकड़ो खाओ। बेचारे कैटो को फूड देने का, वन पीस तोड़ के उसके आगे रख दो, चीज अच्छा है इनका। जाओ मोटा पीस दो ना, देखो जरा, चलो ठीक है। चीज़ नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा
तो आप दे आए हैं कैटो को, पीछे मैं कैटो देखूं, वो खाने आ गई थी हामी का फूड, वो थे हामी ही। कैटो लाइक्स पिज्जा। और सुनाएं फिर, आपकी बोरियत खत्म हुई है? इधर अंदर बैठने के बजाय हम प्रेफर कर रहे हैं बाहर बैठे हैं। चिकन बास्केट नाम है ना, मुझे तो मजा आ गया यहाँ पे आके। और इस जगह का नाम है डिरैया। देखें मजे की जगह सारी। बाबा इंट है, पूरा पीस नहीं दो कैट को, पहले आप तो खा लो। मैं खिला दूं आपको। हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं फिर? बहुत अच्छी है, ठंडा ठंडा मौसम और मजे मजे की कॉफी। आपने ट्राई करनी है? ये नहीं जी, कॉफ़ी ट्राई, वो अपने तरीके से तिहामी ट्राई कर रहे हैं जी। इसको पिज्ज़ा पे लगा के दे दें। हाँ जी। और मैं बेचारा यहाँ पर तरस रहा हूँ, सामने कॉफ़ी का ग्लास पड़ा हुआ है लेकिन ट्राई नहीं कर सकता। ये बेचारे हस्बैंड जो है ना, तरस खाने का कोई मौका जाने नहीं देते है ना। पिटी मी। ओ यम पिज़्ज़ा। मैं चलें बस, अब आप भी पी लें, आप क्या याद करेंगे। ओ थैंक यू जी। ये स्पेशल फरमाइश आई है शहजाद, मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं कि मेरी वाली ट्राई करो। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरी ट्राई करें, मैंने खुद भी नहीं ट्राई की अभी तक। ये ज़्यादा मज़े की है। चलो चेक करें, मेरी वो वाली है ना, क्या करूँ, चेक करें। देखे तो जल्दी जल्दी काफी सारी मैंने देखे तो। इसको पहन के उसको पी लो। देखे तो बाबा क्या पिए। देखे तो बाबा पिज़्ज़ा पी लेंगे। देखे सारे मेरे खिलाफ हुए यहाँ पर। ये देखे, ये देखे, देख रहे हैं, क्योंकि हम दो पार्टनर से दिल्ली आने के लिए, बाबा बेचारे ले आए खुशी खुशी, लेकिन हम दोनों का दिल्ली आने का दिल चाह था और बाबा को नहीं पता था कहाँ जाना है। अभी भी मेरा इंतजार कर रही है मेरी कॉफी जो है। कैट को पिज्जा देने जा रहा है जी। चलो दे आओ, दे आओ। अभी मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस की थी और शहजाद बेचारे इतने शौक से वीडियो बना रहे थे। वो देखें, ये होते हैं एम्बेरस्ड फेस। और उन्होंने थोड़ी सी बनी थी पता नहीं, और वो पॉज हुई भी थी, पॉज की हुई थी। और इतने सारे हमने 4-5 मिनट की वीडियो बनाई, इतनी ज़्यादा मेहनत करके बनाई। और एंड पे पता चला कि वीडियो पॉज हुई हुई थी। सॉरी, मैं सैमसंग नहीं यूज़ करता, इसका मुझे पता नहीं है। आइंदा से यूज़ करना शुरू करें। अब मैंने शहजाद को टास्क दे दिया कि फिल्मिंग पे काम करें आइंदा से। कैमरा मैन शहजाद मुनीर के साथ, नौशीन शहजाद के साथ जो है, ये कहना चाह रहे हैं शहजाद मुनीर के कड़ा, मैं नहीं कह रही, खुद कह रहे हैं अपने आप को। सारे सुन ले कि आपने सारी चीजें अपनी बंद करनी है, मैसेजेस जो भी आप कर रहे हैं वो बंद करनी है। और बस एक बात समझो, तेरी सुन ले क्या कह रहे हैं, और आप सारी चीजें बंद कर देना, मैसेजेस भी सारा कुछ, पिज्जा खाना शुरू कर। और आपने सिर्फ हर दिन उठ के फिल्मिंग करनी है। उफ अल्लाह, पनिशमेंट देखी आपने अपनी? हां जी, मैं पिज्जा खाने से स्टार्ट। आपका जाना डाडा बेटा है, ये जो वेटर है ना, इसको फील हो रहा है कि ये लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं या अपनी वीडियोस बना रहे हैं। वो बार बार गुजरते हुए देखता है कैमरा में, वो फेम को जो है कैप्चर करना चाह रहा है। लोग हमारी वीडियोस में आने के लिए तरस रहे हैं ये लोग, क्योंकि मेरे इस वक्त जो है सब्सक्राइबर्स, पकड़ लो ना बेटा, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे इंशाल्लाह। और हर किसी को पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और हर कोई मेरे व्लॉग्स में आना चाहता है। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कोई छोटी बात नहीं है। एक्शन दिखाओ, कितनी बड़ी बाइट ली है। वाओ, ऐसे दिखाओ ना सिली, ऐसे ऐसे देखो। मैक्सिमम तो चैलेंज क्या है कि डालते जाओ मुंह में, डालते जाओ डालते जाओ, बेशक च्यू करो ना करो लेकिन ठोंसते जाओ। और डालो और डालो और ज़्यादा,
डाल के दिखाओ ना, लो अभी मुंह में जगह है यार, मुंह में जगह है। जरा टेक टू आप करें ना, ये ले। हाँ जी चले टेक टू करें ना। फिर आप भी करेंगे? नहीं एक मिनट, ये पकड़े आप, इससे करें, चले 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 चले, अपनी बारी में जो है इस बेचारे मुन्ने से मासूम बच्चे की जो है आप कर रहे हैं टेक टू, टेक टू। मुझे कॉफी के साथ पीछा की वाली है तो अभी बाबा की टर्न आनी है। टू पीसेस है ना इकट्ठे मुंह में डाले, बात नहीं है ये, मैंने जब खाना शुरू करना है तो मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया कैमरे में फिट नहीं होगा, इसलिए फिट हुआ है, डोंट वरी इकट्ठा डालें। ये क्यों नहीं खा रहा है? ये खाएगा, इसने खाया, आप खाएं खाएं यार, वो खातिन साइड पे आके बैठ गई है ना, तो क्या हुआ? ये हीरो चेक करें ना, शर्म कितनी आ रही है। चले बाबा, यो मेरे बाप, दिखाएं इधर सामने से दिखाएं, नहीं आपको वो कुछ कहती मैं। ओ बिस्मिल्लाह। और खा के दिखाए, और डाले ये देखें पब्लिक में ये क्या कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। सामने से दिखाएं जरा, चेहरा तो दिखाएं। थोड़ा सा परे करें, हाथ ऐसे करें तो थोड़े दुकान चलनी हो रही है। बाबा को फेस देखो, बाबा ऐसे बात करो, मुझे चैलेंज करा रहे थे। चैलेंज की बात नहीं, मेरी टंग टर्न नहीं हो रही थी। जगह थी कहाँ? तब आपकी टर्न, मैक्सिमम ठोंस के दिखाओ बाबा की तरह, 1 2 3। आप ही तो फैमिली मेंबर हो यार, मैक्सिमम भाई तय की तो बड़ी इज्जत है दुनिया में ना, इसलिए तय ऐसे नहीं कर सकता है ना तय। ओ मुझे कांप रही हूँ सर्दी से, मैं थोड़ी थोड़ी नजर तो नहीं आ रही कांपते हुए, कांप रही हूँ। आप आ सकते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तय आप तो डरा लग रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो। रॉक्स में से गिर जाओगे आप, गिर जाओगे वाटर में, गिर जाओगे बेटा, सच्ची बता रहे हैं आपको। उधर से जाके कॉर्नर में से देख लो, उधर जाने जाओ, वो देखो। थैंक यू, आपने हमें फन कराया और आपने हमें इंजॉय कराया है। वेलकम, आई होप कि आप जो है चीयर अप हो गए। हाँ जी, मूड अच्छा हो गया है, बिल्कुल फ्रेश हो गया है। एक्चुअली आज मैंने सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, कोशिश की थी, लेकिन ऐसे बोरिंग से दिन चल रहे थे कि मेरे से व्लॉग भी नहीं किया गया, कोई एक्साइटिंग बात नहीं की गई, कोई फ्रेश मूड नहीं था। तो अब कल हम इंशाल्लाह कहीं घूमने निकलेंगे, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। बारबेक्यू तो बना के रख लिया है ना, मैरिनेट करके, ये चेक करिए मलाई टिक्का। ओ हो, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट नहीं, मुझे टक्कर मार रहा है। कहाँ कर रहे हो? अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में, पार्किंग में, और फिर हम वापस घर चले जाएंगे और बस फिर हमारा डे एंड हो जाएगा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है और आपने भी इंजॉय किया और आप भी फ्रेश हो गए हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नहीं, अगर आपको ये व्लॉग, मुझे आदत ही नहीं है कहने की, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलें जी, आप अपना बहुत ख्याल रखें। ओह, मेरा हाथ आने लगा था।
ओके जी अच्छा चलो तो बाय बाय करें बाय ये कौन सो रहा है वन मोर टाइम जी लास्ट टाइम ओके थ्री टाइम्स नहीं मामा को चक्कर आ रहे हैवी हो ना आप फर्स्ट बस नहीं बेटा मुझे वाकई चक्कर आ रहे हैं नो प्लीज यार प्लीज हैप्पी ओके दिखाओ देखो क्या चक्कर आ रहे हैं ना मामा वैसे टाइड मामा प्लीज लास्ट टाइम